इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अभी तक पश्चिम बंगाल में मंत्री पार्थ चटर्जी की गरीबी अर्पिता के घर से 21 करोड़ 20 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा 79 लाख के गहने, 54 लाख की विदेशी मुद्रा और कोलकाता के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 8 फ्लैट हैं जिनके रेंट एग्रीमेंट भी मिले हैं। तो छापे में 21 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है और कई दस्तावेज हैं जिसमें 8 ऐसे फ्लैट्स हैं जिनके रेंट एग्रीमेंट भी मिले हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, क्या अपडेट ताजा? देखिए, ईडी के पास अभी तक अर्पिता के घर से जितनी भी बरामदगी हुई है, इस बात की पुष्टि हो रही है कि इसमें पार्थ चटर्जी का लिंक होना की पूरी संभावना है और इसके दस्तावेज अब मिल रहे हैं। इसमें न सिर्फ फोन है और बाकी सारे दस्तावेज हैं, बल्कि करीब 21 करोड़ रुपए भी हैं, ज्वेलरी है यानी कि सोने के गहने हैं करीब 80 लाख रुपए के और विदेशी मुद्रा है 54 लाख रुपए की। इसके साथ साथ कई ऐसे फ्लैट हैं और जमीनों के दस्तावेज हैं जिन्हें खरीदा गया है या फिर जिनको अपने नाम पर ट्रांसफर करवाया गया है पिछले कुछ वर्षों में। और ये जो मनी ट्रेल है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि ईडी के पास दस्तावेजों के दौरान और लेकिन इसके साथ साथ ये बड़े सफाई तौर पर नहीं सामने आ रहा है कि ये पैसा आया कहाँ से, जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ये सारे दस्तावेज। मनोज्ञा, ये जो रेंट एग्रीमेंट्स मिले हैं, इनमें किन लोगों का जिक्र है, किन लोगों के सिग्नेचर है, इसके बारे में पुख्ता जानकारी है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहले ये कि ये जो रेंट अग्रीमेंट है, इनमें कई जमीनें बीरभूम की हैं, इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं जिनमें डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है, तस्वीरें भी हैं। लेकिन जो दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आ रही हैं इसमें, कि एक तो अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की जब आप डायरेक्टरेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप रेवेन्यू पे चेक कर रहे हैं, तो उसमें ये दिखा रहा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को बिक्री किया गया है, यानी जमीन को बिक्री किया गया है, यानी कि प्रॉपर्टी लोकेशन पहला बीरभूम है, जिला बीरभूम में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी लोकेशन है, करीब 4 ऐसे प्लॉट हैं और जिनका एरिया करीब 4 डिसमल है, तो कहीं पर उससे ज्यादा भी है, 3 दिक्कत है और ये अलग अलग प्रॉपर्टी है। ठीक, मनोज्ञा, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।